दोस्तों कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जहाँ पर मशीन का प्राइस मात्र 500 रुपए है, साथ में ये जो प्रोडक्ट जो इस मशीन से बनेगी इसका डिमांड गर्मियों के मौसम में इतना ज्यादा रहता है, यूं कह सकते हो गर्मियों का वरदान साबित होता है ये प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी जगह से कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट करे, ये प्रोडक्ट हर जगह सदाबहार बिकने वाली चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोई ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम जाए साथ में प्रॉफिट काफी अच्छा हो, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल महिंदी एडवाइस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियोज लेकर आ सकूं सबसे पहले और आप उसको देख सके सबसे पहले। आज के इस वीडियो में आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, इसमें जो प्रोडक्ट इस मशीन के द्वारा बनाया जाता है वो है आइस गोला, जैसे कि अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। आपको पता है इसका डिमांड कितना ज्यादा रहता है, खास करके बच्चे इस प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये नहीं कह रहा कि आप अपना दुकान लगाओ और इस गोले को बनाकर बेचो, मैं आपको कुछ अमेजिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, डायरेक्टली मशीन सेलिंग का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। गाइस अगर मैं बात करूँ इस मशीन की, तो यही वो मशीन जिससे आप यहाँ पर आइस गोला बनाने वाले हो। इस मशीन का प्राइस आपको अमेजन पे देखने को मिलता है 499 रुपये का, मतलब 500 रुपये का। और इसी को अगर आप अपने आसपास के मार्केट में खरीदने जाओगे तो ये आपको और भी ज़्यादा महंगा 600-650 का देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसी मशीन को अगर आप होलसेल रेट पर खरीदते हो इंडिया मार्ट पर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यही वो मशीन है, सेम वही मशीन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वही वाली आपको 182 रुपये एक यूनिट के अकॉर्डिंग मिल जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आप देखिए प्राइस का कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको एक पीस अगर आप ले रहे हो तो अमेजन पे आपको 499 रुपये का देखने को मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर इंडिया मार्ट पे 182 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिलता है। यहाँ पर बस बात यह है कि आपको यहाँ पर एक दो पीस नहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेना पड़ेगा। ये जो मशीन, इसको बोलते हैं प्लास्टिक आइस गोला मेकिंग मशीन या फिर स्लसर मेकर मशीन। इस मशीन का प्राइस मैंने आपको दिखाया, आपको अमेजन पे देखने को मिलता है 499 रुपये का, तो मार्केट में ऑब्वियसली बात महंगा ही मिलेगा। तो सपोज करो कि आप यही मशीन आगे प्रोवाइड करते हो और इस मशीन का कीमत जैसे कि 500 रुपये है, आप इसको केवल 350 रुपये में प्रोवाइड करते हो, तो सोचो कि आपका यहाँ पर एक मशीन को खरीदने पर जो प्राइस लग रहा है वो 182 रुपये लग रहा है, और आप यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हो 350 रुपये में, और जो आपका हर मशीन पर प्रॉफिट हो डायरेक्ट 168 रुपये का निकलेगा। और यहाँ पर गाइस कि सपोज करो आप डेली का 8 घंटे काम करते हो, मतलब 8 घंटे अपना दुकान लगाकर या फिर किसी भी रिटेलर को या होलसेलर को जैसे भी है आप आगे प्रोवाइड कराते हो, तो ज़्यादा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ केवल 8 घंटे की, मतलब एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो, आप ज़्यादा 100 मशीन नहीं सेल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, 50 नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद बताओ अगर आप 8 घंटे इस मशीन की सेलिंग करते हो अपना दुकान लगाकर या फिर आगे रिटेलर को ये प्रोवाइड करते हो या फिर शॉपकीपर को, तो एटलीस्ट आप 10 मशीन तो डेली का सेल कर ही लोगे। और 10 मशीन तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप अगर 8 घंटे दे रहे हो तो आप एक तो कह सकते हो कि यहाँ 10 मशीन सेल हो जाएगी। तो गाइस आपका यहाँ पर एक मशीन पर जो था प्रॉफिट वो यहाँ पर निकल रहा था 168 रुपये का, और आप डेली का 10 मशीन सेल कर रहे हो तो आपका यहाँ पर डेली का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेटेड निकलेगा यहाँ पर 1680 रुपये का। इस तरह से गाइस अगर आप एक महीने में काम करते हो तो यहाँ पर एक महीने में बड़े आसानी से आपका यहाँ पर 28 दिन काम करते हो तो 47,040 रुपये तक का एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकलेगा। हालांकि ये फिक्स नहीं कि इतना ही प्रॉफिट होगा, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में किस जगह पर रहते हो वहाँ पर कैसा डिमांड है इस चीज़ का उसके बारे में। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप यहाँ पर इस मशीन को सेलिंग कहाँ पर करोगे, कौन आपके कस्टमर होंगे। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, इस मशीन का सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो जो बर्तन वाले दुकान होते हैं या फिर जो इस टाइप के शॉप वगैरह होते हैं जहाँ पर कि छोटी छोटी मशीनें बेची जाती है, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है। तो आपको सिंपली करना है टारगेट उन सभी दुकानों को, आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ पर आसपास के मार्केट में जितने भी बर्तन की दुकान है या फिर इस टाइप के शॉप हैं वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ पर आपको बताना है कि भैया हम ये मशीन आगे से इम्पोर्ट करते हैं और आपको हम अच्छे प्राइस पर ये अवेलेबल करा देंगे। और ऑब्वियसली बात है अगर आपके प्रोडक्ट लोगों को पसंद आता है साथ में प्राइस आप अच्छा रखते हो तो लोग आपसे लेंगे, साथ में जो नॉर्मली शॉपकीपर होते हैं उनको भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, और जितने भी इस टाइप के जैसे कि जूस वगैरह का ठंडा वगैरह का जो शॉप होता है उसको भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो लोग भी आइस गुलाब बनाकर आगे सेल करते हैं और ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है। जो दुकान वाले होते हैं वहाँ अलग अलग जगह पर जाकर वेंडर वगैरह जो है इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाली जगह पे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा है। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।